चलो गाइस भाग के चलते हैं भाई, लेपर्ड का भी खतरा होगा, पता नहीं हमें ऊपर से शायद देख रहा होगा भाई जंगल के। कोई जोर नहीं लग रहा है, मजा आ रहा है, बिल्कुल ठंडा ठंडा पानी, बिल्कुल चिल्ड निकल रहा है, कूल। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज हम आपको लेकर जा रहे हैं, देखते हैं हम भी सोच रहे हैं कहां पर आपको लेकर जाए, आपको कुछ अलग सा दिखाने के लिए। बट गाइस सामने सड़क पर है ना मंकी बैठे हैं, तो उन्होंने हमारा रास्ता ब्लॉक किया है, तो इसीलिए हम आगे नहीं जा रहे हैं। तो देखते हैं जब जंगल में आड़े दौड़े घुस जाएंगे तो फिर हम आगे जाएंगे, कंटिन्यू करेंगे, तो आपको लेकर जाएंगे कुछ अलग सी लोकेशन पर आज। तो गाइस हमारे साथ आज पापा और देखते हैं हम कौन कौन जाते हैं। हमारे साथ दो भाई जरूर जाएंगे, आपको पता है हम आपने ब्लॉग में देखे होंगे जब हमने 2 फुट खोदने में पानी निकाला था, उस ब्लॉग में वो वाले भाई आए थे, अंकित और एक भाई और था, उसका नाम नहीं पता। बट इतने सारे मंकियां रोड पर बैठे, हम आगे को जान गए, देखते हैं अभी क्या करते हैं। ये देखो कितने सारे है, अभी तो इससे भी ज़्यादा है, बाकी अंदर चले गए जंगल में आले दोले। बाइक पर जर्नी स्टार्ट होती है, बाकी आगे हमने करनी है पैदल जर्नी स्टार्ट, देखते हैं कहाँ तक बाइक हमारी जाती है जंगल में। तो गाइस सामने जा रहे हैं अंकित, जंगल में पूरा मजे आज होने वाले हैं। गाइस जब हमने जंगल का कोई सरवाइव करना होता है, मजे करने होते हैं, जंगल में घूमना फिरना होता है, तो हमें अंकित ही लेकर जाता है, क्योंकि अंकित का गांव जंगल में है, तो इसीलिए इसे सभी पता है जंगल में घूमने फिरने का कहाँ पर प्यारी प्यारी लोकेशन है, कहाँ पर मस्त सी कुछ दिखाने के लिए आपको है मजा। पूरा जंगल के बीचों बीच रास्ता जा रहे हैं। तो गाइस इस पहाड़ों में आकर ऐसा लग रहा है भाई इतना ठंडा मौसम हो रहा है, इतना ठंडा मौसम। गाइस अभी हम रुके हैं क्योंकि आपको कुछ अलग सा दिखाने के लिए, एकदम मेरे सामने गाइस इतनी मस्त चीज है, इतनी मस्त चीज है, इतनी ज्यादा पुरानी होगी, हजारों साल पुरानी है वो, आपको चलो दिखाता हूँ। तो भाई जंगल के बीचों बीच पुराना हजारों साल पुराना कुआ, ये देखो उसमें पानी भी निकलता है गाइस बिल्कुल पास ही पानी, बिल्कुल पास, ये देखो भाई। गाइस उसी ब्लॉक की तरह आज हमारा फिर से भाई मिल गया अंकित, ये देखो। तो आज अंकित अकेला आया है, उसके साथ वाला लड़का नहीं आया, बट कोई बात नहीं। तो भाई ये इतनी मस्त चीज है, पुराना कुआ, तो पापा चला रहे हैं, तो मैं भी चलाकर देखता हूँ मेरे से चल पता है। बहुत बढ़िया। पापा जी कैसा लग रहा है आज? तो पापा भी इतना टिप टॉप बनकर आया है, जंगल में सर्वाइव करना है, इतना टिप टॉप बनकर आया, बट पानी कुएं से ठंडा ठंडा बिल्कुल चिल्ड पानी, जंगलों में इतने प्यारे प्यारे कुएं हमें दिखते हैं, वो भी हमें अंकित दिखाता है हमारा भाई। तो गाइस ये वाला देखा आपसे, हुई जा रहा है, घूम रहा है, कोई जोर नहीं लग रहा है, मजा आ रहा है, बिल्कुल ठंडा ठंडा पानी, बिल्कुल चिल्ड निकल रहा है कुएं में गाइस, हजारों साल पुराना कुआ, इसकी कंडीशन से लग रहा है हमें, बट इन्हें घुमाने में इतना ज्यादा मजा आ रहा है, इतना ज्यादा मजा आ रहा है, मैं आपको क्या ही बताऊं। बस गाइस पानी पानी वेस्ट नहीं करेंगे गाइस, ये चले चले जाएं गाइस, मुझे लग रहा है पानी वेस्ट हो रहा है, पानी वेस्ट नहीं हो रहा है, तो आपको दिखाता हूँ कहाँ पर जा रहा है। तो ये देखो गाइस यहाँ से पानी निकल रहा है, यहाँ से जा रहा है, यहाँ से यहाँ पर जा, कहाँ पर सभी जमा हो रहा है पशु के लिए। तो गाइस अभी हमारी जर्नी स्टार्ट होने जा रही है बाइक पर, तो फिर थोड़ा सा पैदल चलेंगे, तो फिर देखते हैं आपको कुछ अलग सा दिखाएंगे। तो गाइस जितना हम आगे जा रहे हैं एक और पुराना कुआं मिल गया हमें, तो भाई कैसे जंगल में आ गए इतने पुराने पुराने कुएं, हजारों साल पुराना, इसकी कंडीशन से तो लग रहा है हजारों से भी ज्यादा पुराना कुआं है, हजारों साल से भी ज्यादा पुराना कुआं है ये वाला लग रहा है देखकर, बट पहाड़ इतने गजब व्यू आ रहा है पहाड़ों का। हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गया, तो आपको दिखाते हैं क्या दिखाने वाले हैं, वो आपको बाद में बताएंगे क्या दिखाने वाले हैं, सभी बता दिया तो आपको पूरा सस्पेंस खत्म हो जाएगा, तो अभी देखते हैं मजा आएगा गाइस मजा। यहाँ पर पैदल पैदल जाना पड़ेगा, देखते हैं कहाँ पर पहुंचते हम। गाइस अभी मैं आपको थोड़ा थोड़ा दिखाऊंगा, देखते हैं हम कहां पर चलते हैं, बट हमें एक मंदिर मिला जंगल के बीचों बीच, उस मंदिर में पहले मत्था टेकते हैं फिर जाएंगे आगे,
देखते हैं हमें हमारा भाई कहां पर लेकर चलता है जंगल में। देखो गाइस कितना प्यारी, वो जंगल के बीचों बीच मंदिर है, बट ये मंदिर भी हट के टाइप बना है, पूरी झोंपड़ी टाइप बना है। अभी पापा लोग तो आगे चल गए जंगल में पूरा। वो ये देखो कितना प्यारा गजब मंदिर, बट हमने जाना आगे थोड़ा सा। तो गाइस ये भी सामने एक मंदिर है, ये वाला जो मंदिर है सामने ऐसा लग रहा है जैसे गुफा गुफा सी बनी है, पहाड़ के बिल्कुल बीच गुफा बनी है, उस गुफा के अंदर मंदिर बनाया है। गाइस कितनी गजब बात है, पहाड़ को काट कर एक छोटी सी गुफा बनाई है, उसमें एक मंदिर है। तो गाइस इस हट के अंदर चलते हैं, हट के अंदर झोंपड़ी के अंदर मंदिर है भाई, कितना शानदार मंदिर है। देखो गाइस पूरा हट के अंदर मंदिर है, ये देखो। तो गाइस जो हम देखने आए थे एक गुफा थी लेपड़ की, वो तो हमें मिली नहीं, एक मंदिर जरूर मिल गया, वो तो जंगल में पता नहीं कहाँ पर है, हमें हम ढूंढ भी रहे हैं, हमें पता नहीं चल रही कहाँ पर है गुफा वो बोली। चलो गाइस भाग के चलते हैं भाई, लेपड़ का भी खतरा होगा, पता नहीं हमें ऊपर से शायद देख रहा होगा भाई। जंगल के बीचों बीच है ये वाला मंदिर, और हम गुफा देखने आए थे, वो हमें पता नहीं चली कहाँ पर है कहाँ पर नहीं। तो गाइस ये वाला रास्ता जा रहा है सामने, तो चलकर देखते हैं कहाँ पर पहुँचते हम। तो फिर से गाइस यहाँ पर ही पहुँच गए झोंपड़ी वाले मंदिर में। चलो गाइस अभी चलते हैं वापस, क्योंकि हमें गुफा तो मिली नहीं, गुफा वाले मंदिर जरूर मिल गए जंगल के बीचों बीच। तो गाइस हमें गुफा तो नहीं मिली जंगल में घूमकर, बट ये वाली जो हमारा भाई लेकर आया अंकित बाइक ऑफ रोडिंग वाली फुल ऑफ, तो गाइस ये वाली फुल ऑफ रोडिंग वाली बाइक है, इसका नाम है RX100 भाई, मजा आएगा पहाड़ों में, इतनी ज्यादा मस्त चलती, इतनी ज्यादा मस्त, किसी भी रोड पर फंसा देते भाई ऐसे जाती है, पहाड़ भी चढ़ जाती है, इतनी ज्यादा गजब, इसमें पावर इतनी ज्यादा पावरफुल है। जो पहले टहने समय में इसको बाइक को सभी लोग बहुत ज्यादा लाइक करते हैं, फिल्मों वगैरह मूवीज वगैरह में ऐसे लोग बहुत ज्यादा होती थी इस बाइक को। अभी हम देखते हैं ट्रायल लेके इसको कैसे चलती है, मस्त चलती है। तो गाइस अभी पहले चला रहे हैं पापा, देखते हैं भाई कैसे चलती है, तो कैसे ऑफ रोडिंग होती है इसके साथ, तो मैं भी बाद में चलाऊंगा। आज हम इसी बाइक पर ऑफ रोडिंग करने वाले हैं, कर आए हैं, बट मैंने थोड़ा सा चलाया, मुझे डर लग रहा है पहली बार चलाया करके बाइक, तो मजा आ गया, बट इतनी ज्यादा प्यारी और गजब इसकी आवाज से गाइस, सभी पैसे तो इसके आवाज के है जो इसका साउंड आता है। अभी हम आपको आवाज सुनाने जा रहे हैं इसकी, जो इसका साउंड आता है इतना ज्यादा गजब आता है ना, डर लगता है पहाड़ों में इतना ज्यादा ऑफ रोडिंग करने में मजा आता है गाइस। गाइस ये वाली बाइक चलाकर RX100 मजा आ गया भाई, पहाड़ों में इतनी ज्यादा गजब चलती, इतनी ज्यादा गजब चलती है, पूरी ऑफ रोडिंग वाली बाइक है ये वाली, मजा आ गया गाइस देखकर, आज तो देखकर नहीं चलाकर मजा आ गया, मुझे तो पता नहीं अंकित के पास इतनी प्यारी बाइक है भाई, ऑफ रोडिंग वाली पूरी गजब चलती है, इतनी ज्यादा मस्त है पूरा भाई, मजा आ रहा है मजा। तो गाइस अभी मैं आपको चलाकर एक बार फिर से दिखाऊंगा, ऑफ रोडिंग करके दिखाएंगे, पूरे मिट्टी में घुसाएंगे जहां पर बहुत ज्यादा मिट्टी होगी, चलो देखते हैं आपको भी दिखाते हैं, ऑफ रोडिंग फुल करेंगे, आज तो मजा आ गया पहाड़ों में घूमकर, इस पर ऑफ रोडिंग फुल किया है गाइस, चलो चलाते हैं। अभी आपको मैंने RX100 चलाकर दिखा दी भाई, मजा आ गया। तो जिस जो भी मेरा है ना कोई पुराना बंदा वीडियो देख रहा है ज्यादा उम्र वाला, उसको तो पता होगा इसकी पावर,
पावर पता होगी गाइस इसकी, जिसे पता है वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। और आप तो आज हमने क्या किया, हमें गुफा तो नहीं मिली, इसके साथ ओवर रोडिंग जरूर कर ली। मजा आ गया गाइस, मजा आ गया। देखा आपने कितनी ज्यादा पावर है भाई, कहीं पर फंस नहीं रही। नहीं तो हमारी बाइक मिट्टी में इतनी ज्यादा फंसती है भाई, घूमती फिरती हम बहुत गिरे भी, हमारी बाइक की हल्की है बहुत ज्यादा, उसमें पावर इतनी ज्यादा 100% RX 100। गाइस आज के ब्लॉग में थोड़ा थोड़ा मैंने आपको उस बाइक का रिव्यू भी दे दिया और आपको चलाकर भी दिखाई और ऑफ रोडिंग भी करी मस्त वाली पहाड़ को बीच बिल्कुल। ये देखो सभी अंकित की बकरियां हैं, ये वाली ये देखो भाई सभी अंकित की हैं। देखो गाइस बिल्कुल ताजा ताजा गर्म गर्म जाग ऊपर आई है, इतनी ज्यादा प्यारी प्यारी। तो गाइस देखो अभी पापा ऐसे ही बिना गर्म किए, बिना ना वगैरह चीनी वगैरह पाए, ऐसे चटाचट बिल्कुल फ्रेश दूध पी जाएंगे भाई, ऐसे कच्चा दूध पी। बकरी का दूध तो आपको ऐसे ही पीना चाहिए, बिल्कुल कच्चा बिल्कुल फ्रेश निकाल कर दूध पीना चाहिए गर्मा गर्म। तो पापा का फ्रेश दूध पीकर मस्त चिल मजा आ गया। पापा जी कैसा लग रहा है, मजा आ गया? गुड, मजा आ गया, टेस्टी सी, बहुत बढ़िया। चलो तो गाइस अभी हम घर पहुंच गए। तो आज हम गए थे एक टनल देखने के लिए जो बिल्कुल नेचुरल तरीके से बनी थी, गुफा सीए का, तो वो तो हमें मिली नहीं, पता नहीं कहाँ पर थी। पता नहीं हमें जंगल पर आगे जाना था और हम जा नहीं पाए, बट एक एक्सपीरियंस अलग सा कर लिया, ऑफ रोडिंग जरूर कर ली RX 100 के साथ। गाइस इतना ज्यादा मजा आया, पहली बार मैंने वो बाइक चलाई और ऑफ रोडिंग की। चलो गाइस आपको छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय गाइस।